दोस्तों ये है हीरो की ग्लैमर 125 BS6 का ब्लेज एडिशन। इस बाइक में आपको बदलाव देखने को मिल जाएंगे इसके कलर, ग्राफिक्स, फीचर्स और इसके प्राइस में। इसका मॉडल और डिज़ाइन वही है, बस इसके कलर और ग्राफिक्स को चेंज कर दिया है। इसका कलर ग्लैमर के दूसरे मॉडल से काफ़ी अच्छा और यूनिक दिया गया है। ब्लेज एडिशन में ड्रम और डिस्क दो वेरियंट मिलते हैं और इसमें आपको एक ही कलर का ऑप्शन मिलता है, मैट ग्रे कलर का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का विंडशील्ड का ग्लास दिया है और जिसके नीचे की साइड में हीरो 3D में लोगो मिल जाता है। यहाँ भी आपको डिजाइन देखने को मिल जाती है और इसके वाइजर के साइड में आपको जो है लेमन कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी शानदार हैं। और यहाँ पर आपको नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर दिए गए हैं। इसकी हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल जाती है जिसके अंदर 35 वाट का बल्ब दिया है। यहाँ से आप इसकी रोशनी को देख सकते हो और इसके ऊपर की साइड में आपको 2 पायलट लैम्प भी मिल जाती हैं। अब नीचे की साइड में चलें तो यहाँ पर आपको मैट ग्रे कलर का मडगार्ड दिया है जो कि डुअल टोन कलर में है। यहाँ पर आपको IBS का लोगो मिल जाता है। इसमें आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके फ्रंट में आपको जो है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है और इसके साइड में भी आपको जो है रिफ्लेक्टर दिया गया है। यहाँ पर आपको 80/118 का टायर साइज दिया गया है। इसमें आपको जो है MRF कंपनी के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और ब्लैक कलर के शानदार एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन मिलते हैं जिसमें 120 mm का ट्रेवल दिया गया है। इसके फ्यूल टैंक के काउल के ऊपर ग्लैमर का स्टिकर दिया गया है जो कि एक 3D जैसा लग रहा है लेकिन 3D में नहीं है। और नीचे की साइड भी आपको जो है ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके फ्यूल टैंक की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक दी गई है जिसमें बदलाव नहीं किया है, बस इसके कलर में ही बदलाव किया गया है। जैसा कि यहाँ से आप इसके मैट ग्रे कलर को देख सकते हो और काफ़ी यूनिक कलर दिया गया है। और इसके जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 10 लीटर की दी गई है और यहाँ भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके बैटरी पैनल पर भी आपको जो है I3S का लोगो मिल जाता है और डुअल कलर का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको प्रोग्रामेड FI की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और चलते हैं इसके पीछे की साइड में तो यहाँ भी आपको जो है हीरो का स्टिकर देखने को मिल जाता है और इसके नीचे की साइड में जो है लेमन कलर के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी शानदार लग रहे हैं। अब इसके पीछे वाले टायर के साइज़ की बात करें तो 100/80/18 का टायर साइज मिल जाता है। MRF कंपनी के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं और 130 mm की ड्रम ब्रेक का पीछे की साइड में ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ से आप इसके पीछे वाले टायर की डिज़ाइन को देख सकते हो। अब इसकी टेल लैंप की बात करें तो इसमें आपको LED टेल लैंप देखने को मिल जाती है जो कि H शेप में दी गई है और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और इसके दोनों साइड में आपको जो है नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको हीरो का स्टिकर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो है एक ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और यहाँ से आप इसकी सीट को देख सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। पिलियन और राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है और यहाँ पर हीरो का स्टिकर दिया गया है। और इसके नीचे की साइड भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको जो है एक सीट का लॉकर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एक ब्लैक कलर का साडी गार्ड दिया गया है और यहाँ पर सस्पेंशन और यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक का चेनसेट कवर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एडजस्टेबल फुटरेस्ट दिया गया है पिलियन के लिए और यहाँ पर I3S का लोगो देखने को मिल जाता है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन आप देख ही सकते हो दूसरी साइड से भी, और यहाँ भी आपको जो है ग्लैमर का स्टिकर देखने को मिल जाता है और नीचे की साइड भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको प्रोग्रामेड FI की बैजिंग देखने को मिल जाती है। जैसा कि इस बाइक में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है और यहाँ पर इसका जो इंजन है वो ग्रे कलर का दिया गया है। और नीचे आपको साइड स्टैंड और मैन स्टैंड मिल जाते हैं और 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और 5 स्पीड का यहाँ पर आपको गियर बॉक्स मिल जाता है। इसके इंजन और पावर की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 124.7 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BS6 FI का इंजन। इसकी मैक्सिमम पावर है 10.87 PS की 7500 RPM पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 Nm का 6000 RPM पर। और इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 10 लीटर की और इसका कर वेट है 122 kg। ये है इसके इंजन की दूसरी साइड, यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर इंजन ऑयल फिल्टर का ऑप्शन, यहाँ पर इंजन ऑयल कैप और यहाँ पर एक वायरिंग मिल जाती है क्लच की और यहाँ पर एक सेंसर देखने को मिल जाता है। और ये है इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक स्पार्क प्लग का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट के ऊपर कैटलिटिक कन्वर्टर को देख सकते हो जो कि बड़ा सा दिया गया है जिसके ऊपर एक मेटल की प्लेट दी गई है। और इसके एग्जॉस्ट के ऊपर आपको एक ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि BS6 की पहचान मानी जाती है। इसके नीचे की साइड में चलें तो यहाँ पर आपको एक ब्रेक पैड मिल जाता है ब्लैक कलर का। यहाँ पर आपको केक स्टार्ट का ऑप्शन
बटन भी मिल जाता है इस बाइक में, और सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से यहाँ पर आपको एक मेटल का पार्ट भी मिल जाता है जिससे आपके पैर ना जलें। और इसके एग्जॉस्ट के ऊपर आपको एक ब्लैक कलर की प्लेट मिल जाती है, और इसका जो एग्जॉस्ट है उसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मस्कुलर सी मिल जाती है, और काफ़ी चौड़ा इसका जो एग्जॉस्ट है वो दिया गया है। अब इसके मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी चाबी को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एनालॉग और डिजिटल टाइप का मीटर मिलता है, यहाँ पर आप स्पीड और इकोनॉमी जोन देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो है गियर न्यूट्रल लाइट, यहाँ पर आपको ITS की लाइट मिल जाती है जैसा कि मैं जला कर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको जो है इंजन माल फंक्शन लाइट और साइड स्टैंड इंडिकेशन लाइट, और यहाँ पर आपको जो है फ्यूल की रीडिंग, और यहाँ पर आपको किलोमीटर की रीडिंग और ट्रिप मीटर देखने को मिल जाता है जो कि डिजिटल है, और यहाँ से आप इस बटन से इस मीटर को एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक हैंडल देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर का, और यहाँ पर आपको एक नया फीचर्स मिल जाता है इस बाइक में जिसमें आपको जो है एक मोबाइल चार्जर मिल जाता है, इसमें आप डायरेक्टली डेटा केबल लगाकर अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो जो कि नया बदलाव और नया फीचर्स है इस बाइक में। और यहाँ पर आपको जो है साइड मिरर मिल जाते हैं, और यहाँ पर पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है। चलते हैं इसके दूसरी साइड में, तो यहाँ भी आपको ITS का स्विच और नीचे की साइड में सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको जो है इसके इंजन और इसके एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ से आप इसके इंजन का साउंड सुन सकते हो दोस्तों। जैसा कि आपको जो इंजन का जो साउंड है वो काफ़ी रिफाइंड इंजन है इसका, काफ़ी स्मूथ इंजन दिया गया है, और इसके पीछे की साइड से भी आप इसके एग्जॉस्ट का साउंड सुन सकते हो। तो इसका इंजन और इसके एग्जॉस्ट का साउंड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब दोस्तों इसके माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 60 से 65 किलोमीटर पर लीटर का आसानी से माइलेज मिल जाएगा, जैसा कि ये 125 सीसी की बाइक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूं इसके ऑन रोड प्राइस की, तो इसका ड्रम वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 93,850 रुपये, और इसके डिस्क वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 98,150 रुपये। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताया है सिग्नेचर हीरो मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम का। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस हीरो ग्लैमर स्पेशल एडिशन का बता दूंगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को, मैं ऐसे ही नई नई बाइक की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।